केरल के कोझिकोड में देर शाम एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया है और दो हिस्सों में टूट गया। विमान में करीब 190 यात्री सवार थे। एयर इंडिया का विमान दुबई से आ रहा था। हादसे में विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पायलट की मौत हो गई है, साथ ही दो और यात्री की मौत की आशंका जताई जा रही है और कई लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई से कालीकटा रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रनवे से आगे निकलने की वजह से हादसा हुआ है। फायर टेंडर और एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच गई है। घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल है। विमान के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक ये घटना करीपुर एयरपोर्ट पर करीब 7:45 पर हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक दो पायलट सहित 6 क्रू मेंबर फ्लाइट में सवार थे, जिसमें से एक पायलट के मौत की खबर आई है। न्यूज़ डेस्क।